असल में हम खेल रहे हैं 4-4-2, तो 4-4-2 में जब भी दोनों जो विंग के हमारे जो मिडफील्ड हैं जब वो अटैकिंग होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि जैसे सेंटर एम्प्टी हो गया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो अटैक में मुकम्मल शामिल हो। अगर इन दोनों का फेलियर होगा तो फिर हमारा अटैक नहीं हो सकेगा। तो असल में आप इस तरह से महसूस करते थे, लेकिन फिर उनकी रिकवरी जो है ना, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिकवर भी होते थे। अब आखिर एक टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है इस तमाम मरहलों से गुजर के, तो इट्स ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कि हमारे दोनों विंग्स ने अटैक में जाना और वापस आना। ये हमने एडजस्ट कराया उनसे। असल में हम मतलब ये कि थोड़ा सा हमारी टीम जो है ना, वो स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको इस नई पोजीशन पे जो है ना प्रमोट किया उसको। अच्छा, सद्दाम जो है ना कि ऐसा प्लेयर है कि जो एक मल्टी पोजीशन प्लेयर है, हम कभी स्टॉपर भी खिलाएं तो ही इज़ वेरी फिट देयर आल्सो। अब नज़र इसलिए आपको आता है कि वो एक लॉन्ग स्ट्राइक का खिलाड़ी है, एक्टिविटी बहुत करता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, तो फिर ये कि तमाम क्राउड और तमाम लोगों को जो है ना सद्दाम ही हुसैन नज़र आता है कि हर जगह वही भाग रहा है। टूर्नामेंट में जो मैंने ये देखा, एक ख़ास बात जो मुझे एक फुटबॉल का चेंज नज़र आया कि 28 टीमों में बास बहुत होनहार और बड़े अच्छे यंगस्टर्स थे, जो जिनकी टेक्निक भी अच्छी थी, जिनका खेलने में एंथुसियाज्म भी बहुत था। तो एक लगता है कि पाकिस्तान में इन हालात के बावजूद जो पोटेंशियल है वो चला आ रहा है।